बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे रूटीन जारी कर दिया है, परीक्षा सेंटर जारी कर दिया है कि परीक्षा आपका कहाँ ली जाएगी, रिजल्ट कब होगा, प्रैक्टिकल की परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सब कुछ यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक साथ जारी कर दिया है। तो आप अगर आप इंटर की परीक्षा देने वाले हैं या मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, सबसे पहले डेट जो है वो आपको पता है कि 1 फरवरी से इंटर की और मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से यहाँ पर शुरू है। और यहाँ पर क्या रूटीन है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, परीक्षा सेंटर लिस्ट कैसे देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए क्या यहां पे बताया गया है। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो एक एक करके सभी अपडेट यहां पे बताते हैं। सबसे पहले रूटीन डाउनलोड करना कैसे है, मैट्रिक का कैसे है, इंटर का कैसे है, फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए क्या यहां पे डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, सब कुछ देते हैं एक एक करके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। कि सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए सारा कुछ आपको बिहार हेल्प सर्च करना है, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हैं या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, बिहार हेल्प सर्च करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए 10th का है और यहां पे 12th का है, ठीक है, ये यहां पे जारी किया गया है। तो एक एक करके मैं सभी का यहां पे बता रहा हूं। पहले यहां पे 12th पे क्लिक किया तो यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको रूटीन जो है वो यहां पे दिखेगा। तो रूटीन में देखिए साफ साफ यहां पे दिखा गया है कि 1 तारीख को आपका मैथ का पेपर होगा, ठीक है, मैथ का पेपर साइंस और आर्ट्स वालों का 1 तारीख को है, और वही हिंदी जो है वो 1 तारीख को है आर्ट्स वालों का, ठीक है, फिजिक्स जो है वो आपका 2 तारीख को है, 3 तारीख को आपका केमिस्ट्री है, उसके बाद देखिए 4 तारीख को साइंस वाले और कॉमर्स वालों का जो है इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा, और 6 तारीख को आपको बायो की परीक्षा हो जाएगी, यानी कि 5 तारीख को संडे तो 5 को ऑफ है, 7 तारीख को आपका हिंदी का पेपर हो जाएगा और यहाँ पे उर्दू का पेपर भी यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद 8 तारीख का है, ठीक है, लास्ट जो है वो आपका यहाँ पे 10 तारीख तक आपका पेपर जो है वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटर का, डाउनलोड कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। करने के लिए इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज लिखा हुआ आएगा, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ही डाउनलोड कर लिखा हूँ तो इसलिए देखिए ओपन पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ रूटीन आपका डाउनलोड हो गया है, इसी रूटीन में आपका एग्ज़ाम होगा, डेट के साथ यहाँ पे दिया गया है किस दिन आपका कौन सी परीक्षा है, तो ये रूटीन फटाफट इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बात करें कि प्रैक्टिकल के बारे में क्या कहा गया है, एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और जो मैट्रिक वाले हैं मैट्रिक वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं उनका भी टाइम टेबल यहाँ पे जारी कर दिया है, 14 फरवरी से आपका पेपर शुरू है और 22 फरवरी तक पेपर जो है चलेगा। पहले यहाँ पे देख सकते हैं गणित का है, फिर विज्ञान है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से आके चेक कर लें एक एक विषय का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको इंटर वाले जो हैं या मैट्रिक वाले हैं अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में यहाँ पे बहुत ही अहम जानकारी दी गई है, और यहाँ पे परीक्षा सेंटर के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले बता दें कि एक रिजल्ट जारी होगा और जो कंपार्टमेंट परीक्षा होगा मार्च अप्रैल में होगा, 29 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, यानी 29 दिसंबर को आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। परीक्षा सेंटर की बात करें तो आपका परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, परीक्षा सेंटर के बारे में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। इस बार की बात की जाए तो 1 फरवरी से 11 फरवरी तक इंटर की जो परीक्षा होगी, परीक्षा में 13,18,439 परीक्षार्थी शामिल होंगे, और इसके साथ ही 1,464 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल 13,86,000 परीक्षा शामिल हुए थे, और मैट्रिक में 14 फरवरी से 22 फरवरी तक होगी और इसमें 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी इंटर का परीक्षा केंद्र 1,464 है और 1500 परीक्षा केंद्र जो है वह मैट्रिक का है। यह जानकारी शुक्रवार को बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में इंटर मैट्रिक सभी का यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर बोला गया है कि रिजल्ट, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिजल्ट जो है वो आपका मार्च में ही जारी कर देगी। साफ साफ यहाँ पे क्लियर है मार्च या अप्रैल में रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि परीक्षा सेंटर कहाँ जाएगा, तो परीक्षा सेंटर जो है वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, यानी जो है आपका जो डिस्टेंस रखा गया है
30 से 35 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर आपका परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है, जो कि आपको 19 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। 19 दिसंबर को जब एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एग्जाम डेट आ गया है, तो आपके इंटर मैट्रिक कॉमर्स सभी के लिए जबरदस्त खुशखबरी, जिसके अलावा बिहार बोर्ड कुछ नहीं पूछेगा, एकदम धमाल मचा दोगे एग्जाम में जाकर। कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहते हैं 90% मार्क्स आए, चाहे टेंशन में है कि क्या करें, तो बिल्कुल घबराए नहीं। आप लोगों की घबराहट दूर हो गई है क्योंकि सारे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, और जल्दी मौका आज ही कर लें क्योंकि कल से आपका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया है। ऐसे में रेट जो है अचानक से बढ़ जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 1000 में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 1000 में, हिंदी इंग्लिश 400 रुपए में, ऑल सब्जेक्ट 1400 रुपए में, आर्ट्स कॉमर्स वाले 700 रुपए में तीन सब्जेक्ट, आर्ट्स कॉमर्स वाले पूरे सब्जेक्ट ले सकते हैं यहां पे 1000 में। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपको 500 रुपए में ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है। 10th वाले का जो बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का है 500 रुपए में ऑल सब्जेक्ट ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, 9504510500 पे फोन पे के माध्यम से पेमेंट करना है। अगर फोन पे नहीं चलाते तो मार्केट में किसी से जाकर पेमेंट करवाएंगे। पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और फटाक से क्वेश्चन आंसर ले लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर चूकेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भीड़ यहाँ पे बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा जो है अभी जो है बहुत सारी कॉल्स भी आने शुरू हो गए। जितने बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं फटाफट तरीके से कॉल्स ना करें, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और 9504510500 पे फोन पे के माध्यम से पेमेंट करें, ठीक है, और फटाफट फायदा उठा लें क्योंकि कल से रेट बढ़ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो सोचना नहीं है, बिल्कुल फटाक से क्वेश्चन आंसर लीजिए और एग्जाम में जाकर रगड़ के आंसर कीजिए। यह बहुत बड़ा मौका है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 1 फरवरी से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा इंटर वालों का, 14 फरवरी से मैट्रिक का परीक्षा शुरू है, तो ऐसे में जबरदस्त तरीके से तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल वीडियो को फैला दीजिए और एग्जाम में जबरदस्त मार्क्स आएंगे, इसके लिए भूलना नहीं है। और यही नहीं, इसके साथ फ्री में आपको क्लास भी दी जा रही है। आपको बता दें कि शाम के 6:30 से रात के 10:30 बजे तक लगातार नॉन स्टॉपेज क्लास चल रही है अभिषेक टल यूट्यूब चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए और एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से शेयर कर दीजिए सभी को वीडियो को।